हेलो क्लास, आज मैं आपको हिंदी वसंत में पाठ 7 पापा खो गए पाठ के विषय में बताऊंगी, जिसके लेखक हिंदी साहित्य के महान रचनाकार विजय तेंदुलकर जी हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स के विषय में बताया था, उस पर प्रकाश डाला था, जैसे निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत करना, रात की घटना का वर्णन, पात्रों का लड़की के विषय में चिंतित दिखना, और आज मैं आपको बताऊंगी कि पात्रों द्वारा लड़की की रक्षा करना। इसमें जो पात्र हैं इस पार्ट में कौन कौन से पात्र हैं, जैसे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और ये सारे जो हैं पात्र क्या है, इसमें सजीव रूप में प्रस्तुत किया है लेखक ने, ठीक है। तो वो सभी पात्र क्या करते हैं, लड़की की रक्षा करना चाहते हैं। कैसे रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि जब वो लड़की सोई हुई थी अपने घर में तो एक आदमी था, वो उसे उठा लाया था, चुरा कर ले आया था, बच्चे क्योंकि वो आदमी बच्चे चुराने वाला था, तो वो अब ये सोचने लगते हैं कि इस लड़की को उस आदमी से कैसे बचाया जाए। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो जो दुष्ट आदमी जो वो भोजन की तलाश में गया हुआ था, वो दुष्ट आदमी वापस आ जाता है, सभी चुप खड़े हो जाते हैं और बच्ची भी कहीं छुप जाती है। जब वो देखती है उस आदमी को तो वो डर जाती है बहुत ज्यादा, तो वो क्या करती है, वो छुप जाती है। वो आदमी बच्ची को ना पाकर क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर जिस जगह पर उस लड़की को सुलाकर गया था, उसके ऊपर अपना कोट डालकर गया था, वो वहां उसे नहीं दिखती है, तो वो क्या करता है, बहुत ज्यादा क्रोधित होता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे वो ढूंढने लगता है इधर उधर। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स अपनी जगह से खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवा क्या करता है, भूत भूत चिल्लाने लगता है, कहता है भूत भूत। उसके साथ साथ क्या करते हैं, सभी चिल्ला उठते हैं और वो आदमी डरकर भाग जाता है। उसको लगता है कि ये सब आवाजें कहां से आ रही हैं। जब लड़की को ढूंढ रहा होता है और सब बोलने लगते हैं, लेटर बॉक्स, खंबा, पेड़, सब लोग जब बोलने लगते हैं, कौवा भी बोलने लगता है, तो उसको लगता है आवाजें कहां से आ रही है, एकदम डर जाता है। तो क्या करता है, डरकर वो भाग जाता है। उसके जाने के बाद क्या करते हैं, सभी लड़की को ढूंढते हैं कि वो लड़की कहाँ चली गई, क्योंकि वो छुप रही थी। तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकलकर आती है, जो पोस्टर दीवार पर लगा हुआ था, जो नृत्य की भंगिमा दिए हुए, नृत्य की भंगिमा में जो खड़ी हुई थी लड़की, नृत्य कर रही, दिखाया गया कि उसमें नृत्य कर रही थी, उस पोस्टर के पीछे, मतलब दीवार के पीछे वो छिप जाती है और उसके पीछे से वो निकल कर आती है। जब वो सब लोग उस लड़की को देखते हैं तो वो बहुत सब खुश हो जाते हैं उसे देखकर, और लड़की करती है, इतना करने में लड़की थक जाती है, वो थक कर सो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको इससे अगले पॉइंट के विषय में बताऊंगी। धन्यवाद।